तो दोस्तों आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मटन स्टू। बहुत ही बढ़िया और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये ले लिया है मैंने, 3 पाव है ये मटन। इसे धो लिया है मैंने अच्छे से। इसमें कुछ चाप की बोटियाँ हैं और कुछ साफ साफ बोटियाँ हैं। एक नली है ये देखिए। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज थोड़ा ज़्यादा, ये आधा किलो से ज़्यादा है प्याज। तो अब इसके कुछ मसाले देख लेते हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरी है डालना। तो तेज पत्ता हमने ले लिया है, छोटे हैं 3 हैं। आधी चाय की चम्मच जीरा, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, ये छोटे टुकड़े हैं इसलिए इतना लिया है मैंने, लौंग 5 हैं, 3 छोटी इलायची, और हमें चाहिए साबुत मिर्च, ये तीखी वाली है तो 5 लिया है मैंने। और इसके साथ ही अदरक चाहिए हमें छोटा सा, और लहसुन 1 गांठ को मैंने छील लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने गर्म मसाले हैं ये साबुत, इसे हम कूट लेंगे मोटा मोटा। साबुत डालने से मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसे कूट करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर वो सारे मसाले उसमें मिक्स हो जाते हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा ऐसे कूटना है। अब अदरक और लहसुन जो है ये भी कूट लेंगे। तो अदरक लहसुन भी हमारा हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमें कूटना है मोटा मोटा। इसे भी रख देंगे साइड में। मिर्च जो है इसे हमें बारीक बारीक काट लेना है, तोड़ लेना है इसे बहुत छोटा छोटा सा। तो मिर्च को भी देखिए मैंने बहुत ही बारीक काटे हैं, इस तरह से काट लेना है छोटे छोटे। इसे भी रख देंगे साइड में। प्याज हम काट लेंगे। तो प्याज भी हमारा कट चुका है, प्याज भी सारे काट लिए। तो अब बनाना शुरू करते हैं। दरअसल ये रेसिपी जो है पुराने जमाने में बनाई जाती थी बिल्कुल इसी तरीके से, और ये बंद खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। एक बार अगर आप बनाएंगे तो आप भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, सच कह रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जला के मैंने कुकर रख दिया है, अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि घी भी डालूंगी थोड़ा सा, उससे बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें घी डालेंगे थोड़ा। मैंने 1 चम्मच डाला है छोटा, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब जो तेज पत्ता था वो डाल देंगे। प्याज, प्याज को हमें भूनना है, बिल्कुल काला नहीं करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए बस इतना ही फ्राई करना है प्याज को। तो प्याज हमारा हो जाता है तो फिर वापस आते हैं। प्याज हमारा काफ़ी फ्राई हो चुका है, ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। तब इसी टाइम पे जो मिर्च हमने तोड़ के रखा था काट के छोटा छोटा, ये डाल देंगे। गैस को तेज ही रखना है जब तक कि प्याज लाल ना हो जाए, कि प्याज का कलर चेंज हो गया। तो हमने जो ये अदरक और लहसुन कूट के रखा था ना, ये डाल देंगे। 2 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे प्याज के साथ। तो अदरक लहसुन भी 2 मिनट हो चुका है भूनते हुए। तो ये जो गरम मसाले हमने मोटे मोटे कूट के रखे थे ये भी डाल देंगे, थोड़ा सा इसे भी भून लेंगे। अगर शुरू में हम डाल देंगे गरम मसाला तो जल जाएगा क्योंकि कूटा हुआ है। तो गरम मसाला भी हमारा थोड़ा भून चुका है प्याज के साथ। अब इसमें मटन डाल देंगे।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मिला देंगे। मैंने खूब अच्छे से मिला दिया है, ये देखिए। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें कुछ ज़्यादा ही जाता है, अदरक लहसुन, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हमें 10 मिनट भूनना है तेज आंच पे, गैस को हल्का नहीं करेंगे। तो 10 मिनट भून लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है मटन की। इसमें हम डालेंगे अब कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। अगर तीखा आप पसंद करते हैं तो यही डालें कलर, अगर तीखा पसंद नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं इसकी जगह पे कलर के लिए। तो 5 मिनट इसे हम और भून लेंगे। इस स्टू की खासियत पता है क्या है कि जितनी करेंगे हम भुनाई उतना इसका स्वाद बढ़ता जाएगा, बस इसमें और कुछ नहीं है, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जितना अच्छा से भुनाई होगा उतना इसका टेस्ट निकल के आएगा। तो 5 मिनट और भून लेते हैं। तो ये देखिए खूब अच्छे से मैंने भुनाई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, हमें थोड़ा सा ही डालना है, मिला देंगे। अब ये थोड़ा प्याज जो है ना खड़ा खड़ा सा, ये देखिए ये थोड़ा खड़ा खड़ा सा, तो ये अभी हम सीटी लगाएंगे तो ये बिल्कुल गल जाएगा, पेस्ट बन जाएगा इसका, तो बहुत बढ़िया सा इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो इसमें अब ढक्कन लगा देंगे हम। तो ये देखिए कुकर का ढक्कन लगा दिया है मैंने, और तेज आंच पे एक सीटी लगाना है और फिर गैस को हल्का कर देंगे। फिर एक सीटी जब आएगा तो गैस को बंद कर देंगे, और जब ठंडा होगा तो फिर खोलेंगे कुकर को। कुकर ठंडा हो गया है, मैंने खोल लिया है, ये देखिए देखने में लग रहा है ना बहुत ही लाजवाब, लेकिन अभी पूरा ये बना नहीं है, ये थोड़ा और इसकी भुनाई होगी। प्याज भी देखिए काफी मिक्स हो चुका है, अभी थोड़ा सा भूनेंगे तो मिक्स हो जाएगा बिल्कुल। बस इसमें ऐसे ही बनता है, ये मसाले बिल्कुल नहीं डाले जाते, तो गैस जला ले रहे हैं। तो इसे हमें खूब अभी भूनना है, कम से कम 10-15 मिनट। बोटियों को चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं। गल गया है, ये देखिए गल चुका है ये। अगर मटन हमारा छोटे बच्चे का है तो जल्दी ये ऐसी गल जाएगा, मटन पे डिपेंड करता है, बड़े बकरे का है या बच्चे का है, तो बड़े का हो गर होगा तो ये देर से गलेगा, और छोटे का होगा तो ऐसी जल्दी गल जाएगा। तो इसे भून लेते हैं हम, और तो भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, हमें तो वैसे पहले ही डाला हुआ है लेकिन पिसी हुई थोड़ा सा डालना है, मिला देंगे। गैस को बंद कर देंगे, प्लेटिंग कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए तो ये देखिए है ना कमाल का मटन स्टू, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी लगता है ये, इसकी तो जितनी तारीफ करें उतना कम है। तो स्टू की रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मटन स्टू की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।